नमस्कार। क्लास 8 बोर्ड प्रिपरेशन के लिए मैं वीडियोस की एक सीरीज बना रहा हूं। इस सीरीज का यह पहला वीडियो है और चैप्टर है रैशनल नंबर्स। तो आइए देखते हैं कि क्लास 8 बोर्ड के लिए इस चैप्टर से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो ये गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? ऐसी संख्या होती है जिससे इस संख्या को जब हम गुना करें तो हमारा आंसर ना करें एक ही एक आ जाए। निश्चित रूप से ये 1/5। अब प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। ये प्रश्न दिया हुआ है, इसमें रिक्त स्थान में क्या होगा ये बताना है, व्हाट विल बी इन द ब्लैंक स्पेस। तो ये हम स्पष्ट देख रहे हैं, परिक्रम विनिमय नियम है। तो यहां 21/12 है, यहां भी 21/12 है, तो यहां पर क्या होना चाहिए? -8/7। ये ए नंबर होगा। ये तीसरा नंबर, 13/25 भाग खाली स्थान बराबर 13/5 में रिक्त स्थान में होगा, वॉट विल बी इन द ब्लैंक स्पेस। तो इसे तो हमें हल करना पड़ेगा। आइए इसे हल करके देखते हैं। 13/25 और ये भाग, इसे हम x ले लेते हैं, तो ये 13/5, तो ये हो गया 13/25 गुने 1/x बराबर 13/5 या 1/x इक्वल टू 13/5 और ये गुना ये इधर आएगा, तो फिर ये अंश हर में और हर अंश में चला जाएगा। तो ये 25/13, ये 13 और 13 कैंसिल हो गया 5 से 5 बार में, तो ये तो आ गया 5, 1/x का मान। तो x का मान क्या हो जाएगा? 1/5, अर्थात इसमें हमारा कौन सा आंसर होगा? ये बी नंबर। अब चौथा नंबर है -1/3 और 1/2 के बीच का परिमेय संख्या कौन नहीं है। तो इसके लिए हम इनके हर को पहले बराबर करेंगे। तो आइए इसे भी हल करके देखते हैं। तो ये है -1/3 और ये है 1/2। तो इसका जब हम हर बराबर करना चाहते हैं तो इसका हमें 3 और 2 का लसा यानी एलसीएम निकालना होगा। तो 3 और 2 का लसा हो जाता है हमारा 6। तो हमें इसे ये जो हर 3 है इसे 6 बनाना है। तो स्पष्टतः हम 2 से गुना करेंगे अंश में भी और हर में भी। तो ये हो जाएगा -2/6 और ये हो जाएगा 1/2 और इसको हम अंश में 3 से और हर में 3 से गुना करते हैं। तो ये हो जाएगा 3/6। तो हमें इनके बीच का देखना है। तो यहां पर स्पष्ट देख रहे हैं कि ये है, तो ये तो बीच में नहीं आ रहा है -2/6। तो ये हमारा आंसर हो गया। पांचवा है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होंगी? हाउ मेनी रैशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। तो ये हम जानते हैं कि ये अपरिमित या इन्फिनिटी अनंत होते हैं। प्रश्न संख्या 6, गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना होगा? By which number we multiply 7/23 to get 1? आप स्पष्ट रूप से देखेंगे ये हमारा आंसर होगा सी, 23/7। 3/4 का व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल होगा। तो रेसिप्रोकल में क्या कहते हैं कि ऐसा रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम ऐसी संख्या है जिससे इसे अगर हम गुना करें तो हमारा आंसर आना चाहिए 1। तो ये हमारा ए नंबर होगा। देखिए 3/4
और गुना 4/3 करते हैं तो ये हमारा 1 आ जाता है, ये 1 आ जाता है। आठवां नंबर प्रश्न है, ये भी सातवें जैसा है, 7 का व्युत्क्रम होगा, यानी ऐसी संख्या जिससे हम 7 को गुना करें तो 1 आ जाए, तो ये हमारा आंसर ए नंबर होगा। अब है 1/2 का समतुल्य परिमेय संख्या है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 1/3 ये तो अगर हम काटेंगे तो ये अपने न्यूनतम रूप में है। 2/4 देखिए, ये 2/4, इसे जब हम न्यूनतम रूप में या मानक रूप में लाएंगे तो ये 2 × 2 ये 2 × 2 = 4, यानी 1/2, तो हमारा आंसर है 2/4। 4/8 का गुणात्मक प्रतिलोम है, तो इस तरह के प्रश्न हमने पहले भी देखा है 7 नंबर 8 नंबर में, तो ये हमारा हो जाएगा 8/4। प्रश्न संख्या 11, 2/8 का युज्य प्रतिलोम है, यानी एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स या योज्य प्रतिलोम ऐसी संख्या होती है जिसे हम इस संख्या में, दी गई संख्या में अगर जोड़ें तो हमारा आंसर आना चाहिए 0। तो ये 2/8 में हम क्या जोड़ सकते हैं कि 0 हो जाए, तो निश्चित रूप से -2/8। आप देख लीजिए, 2/8 ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 2/8 = 0, तो ये हमारा आंसर है -2/8। अब है -13 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, जिस संख्या से हम इसे गुना करें तो 1 आ जाएगा, आंसर 1 आना चाहिए, तो ये हमारा हो जाएगा ए नंबर। ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, तो ऐसी संख्या सिर्फ एक है, वो है 0। परिमेय संख्या है जो अपने व्युत्क्रम के समान है, द रैशनल नंबर्स विच आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, तो ये हमारा 1 और -1 है, ये दोनों ऐसी संख्याएं हैं कि जिसका व्युत्क्रम हम करें तो वो स्वयं रह जाती हैं। जैसे आप एक देखें तो एक एक का व्युत्क्रम क्या होगा, एक को हम लिख सकते हैं 1/1, तो ये उसका व्युत्क्रम हो गया। फिर -1 को भी हम अगर करें तो ये 1/-1 हम लिख सकते हैं, तो ये -1 का व्युत्क्रम हो गया, यानी ये स्वयं रह गया। शून्य का व्युत्क्रम, तो शून्य का व्युत्क्रम ये 0 ही होता है। प्रश्न संख्या 16, -5 का व्युत्क्रम है, तो निश्चित रूप से इसका आंसर होगा ए नंबर। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा होता है, तो जब भी आप देखेंगे कि दो परिमेय संख्याओं को हम गुना करेंगे तो हमारा होगा ये परिमेय संख्या ही आएगी। -1/2 से छोटी संख्या है, तो इनमें से कौन सी है ऐसी संख्या है जो -1/2 से छोटी है, तो संख्या रेखा में आप देखें, ये संख्या रेखा है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो यहां पर ये हो जाएगा -1, और ये -1/2 यहां कहीं पर आएगा। तो हम देख रहे हैं कि 0, 1 और 2 ये तो बड़ी संख्याएं हैं, तो सिर्फ -1 है जो -1/2 से छोटी है, तो हमारा आंसर होगा -1। अब यहां 1/5 में क्या जोड़ें कि पुनः वो 1/5 आ जाए, तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है, तो ये आंसर 0 है। अब यहां है 20 नंबर, -1/6 और +1/6 इसे जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो निश्चित रूप में ये और ये कैंसिल होगा, तो हमारा आ जाएगा 0।